विश्वोदय स्थितिलयोन्नियति प्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वग्मि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भं टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्द्रं ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं त्वां भजे वेङ्कटनायकं। निवारयस्व अनिष्टानि साधयिष्टानि माधव। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वग्मि जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भं टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्माकृताः श्रीसत्यात्मगुरो तुधङ्ग्रियुगलं हित्वा न मे सत्यतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। स्वस्त्यस्तु। अचेडतन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य भविष्योत्तरपुराणान्तर्गतवेङ्कटेशमाहात्म्य पञ्चमोऽध्यायकथा प्रारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं। ऋषि सूताचार्य जी से प्रश्न करते हैं, आपने अब तक इस तिरुपति तिरुमला अर्थात वेंकटाचल के महात्म्य वेंकटाचल का महात्म्य बताया, कृतयुग में इसका नाम क्यों ऋषभाचल पड़ा, त्रेता युग में इसका नाम अंजनाचल क्यों हुआ, द्वापर युग में शेषाचल नाम इसका क्यों हुआ, वेंकटाचल में वेंकटाचल कलयुग में वेंकटाचल इस तरह इसका नाम क्यों पड़ा, और भगवान किस कारण से इस वेंकटाचल पर आए, और महालक्ष्मी ने कैसे अपने पति के सेवा के लिए ब्रह्मा को गौ के रूप में भेज दिया,
चोल राजा की कथा यहां तक आपने सुना। भगवान की सूचना के अनुसार बृहस्पत्याचार्य आए, कहा देखो इस घाव को दूर करने के लिए आक के पत्ते के ऊपर का कपास निकालो, उसे उधमपुर के पत्ते निकालने से तो दूध निकलता है, उस दूध में गीला करो और अपने घाव पर लगाओ और श्यामाक खाओ अर्थात सिरिधान्य खाओ, चावल मत खाओ। तब वेंकटेश ने इस तरह ताकत कहा तक आपने कहा है, आगे तो उस श्रीनिवास की शादी कैसे होती है, वही पद्मावती वेदवती पद्मावती के रूप में कहाँ जन्म लेती है, वह आकाशराज कौन, इसका और श्रीनिवास वेंकटेश का संबंध कैसे होता है, यह सब आप हमें विस्तार से बताइए। तब सूताचार्य कहने लगे, जैसे जैसे आपको मैं बताता हूँ मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, इसलिए आगे कहानी कैसे बढ़ी इसका विवरण करता हूँ। एक बार वह श्रीनिवास अर्थात वेंकटेश औषध को ढूंढने के लिए अरुणोदय में वहां के खेतों में घूम रहा था और वह सभी खेत उस शेषाचल के ऊपर रहने वाले भगवान का ही चौथा अवतार वराह, तीसरा अवतार वराह अवतार मत्स्य कूर्म वराह, वराह देव का उधर वास था और ये सभी खेत वराह देव के हित में थे। कुछ दिनों से रात में कुछ क्रूर मृग खेतों को नष्ट करते थे, इसलिए अपने जंगल सुअर के सैनिक को लेकर के वराह देव रात भर खेतों में घूम रहे थे, अभी घर लौट रहे थे तो उनको लगा अपने खेत में कोई घूम रहा है। उनको देखकर यह श्रीनिवास भी वेंकटेश भी कहीं पर छिप गए। वराह मानते थे मेरा ही ये दूसरा रूप है, तो फिर भी संसार में कैसे व्यवहार होता है यह दिखाने के लिए तब उन्होंने कोई आदमी को हलचल दे करके सभी स्वर आ गए। तब वराह भी आ गए, उन्होंने कहा मेरे खेत में जो भी छिपा है मैं उसे अभय देता हूँ, वह आगे आ जाए नहीं तो मेरे बाण से वह मारा जाएगा। तब भगवान तो नाटक करने के लिए आए थे, हाथ पर रख करके अपना मुंह लटका करके तीन मास बाहर आए। पराय ने स्वर पर फिराई, दूसरा रूप का नाटक चल रहा है। उन्होंने कहा क्यों ऐसा, कौन हो आप, क्या चाहते हो? मैंने कहा क्या कहूँ, मेरे कहता प्रारब्ध कर्म ऐसा होता है, आराम से पत्नी के साथ रहता था, एक पागल ऋषि आया तो मेरे छाती पर लात मारा, मेरी पत्नी का स्थान था, महालक्ष्मी का स्थान था, इसलिए महालक्ष्मी छोड़कर घर छोड़कर चली गई और यहाँ पर रहने के लिए आया। चोल राजा के शिष्यों ने उसने मारा और अभी तुम्हारे
लोग क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं। परा ने कहा मैं अभय देता हूं। तो कहा अरे तुम श्रीनिवास, अरे मेरा भाई, आओ आओ। परा ने उसका आलिंगन कर लिया। क्रोड़ नारायणो साक्षात रूप द्वंद विराजितो, भगवान विष्णु ही दो रूपों से वहां पर देवताओं को विडंबन करते हुए, दैत्यों के लिए हाँ हमारे जैसे भी सामान्य आदमी है, ऐसे उनको अज्ञान देने के लिए परस्पर आलिंगन कर रहे थे। आकाश पे पुष्पवृष्टि हुई, पर परमात्मा युग के अनुसार समय के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। अन्योन्यम भाषमाणो, अपने बहुत दिनों से क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, आपकी जिंदगी में क्या हुआ, इस तरह व्यवहार करने लगे। तो वराह श्रीनिवास से पूछते हैं, अरे श्रीनिवास, इतना श्रेष्ठ, सब सुख से युक्त उस अपने वैकुंठ को छोड़कर आप क्यों आए? श्रीनिवास ने कहा देखो अभी भी मैंने कह चुका हूं, उस भृगु ऋषि के लाद से लक्ष्मी छोड़कर चली गई तो यहां पर आया। यहां पर एक गाय दूध देता था, उसे देखकर उस गोपालक ने कुल्हाड़े से मारा। औषध के लिए यहां वहां मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन हाँ बरा आप मेरे बहुत अच्छा हुआ, मैं यहीं कहीं पर रहना चाहता हूं, इसके लिए थोड़ा कहीं पर जगह दे दो। मतलब उसके पहले 1000 साल से वहां रह रहे हैं, अभी तक जाकर से उनसे कहा कि आपके जगह में रहूं, लेकिन सामने आया तो जैसे पहले लोग जगह के एनक्रोचमेंट कर लेते हैं और बाद में कोई सरकारी आए तो हाँ जा करके मेरे नाम से थोड़ा करो, इस तरह कलयुग में व्यवहार होता है यह दिखाने के लिए श्रीनिवास ने कहा मुझे यहीं पर रहना है। तो वराह ने कहा अभी तक भाई भाई आलिंगन सब कुछ हुआ, लेकिन जब जगह मांगा गया, वराह करता है हाँ जगह चाहिए जो देता हूँ, लेकिन अभी जो उसका रेट चल रहा है उतना पैसा दो। स्थलम मौल्य न गृह्यताम, तब श्रीनिवास ने कहा अभी तो मेरे पास खाली हाथ में कुछ पैसे नहीं, बाद में यहां पर एक बड़ा मेरा मंदिर होगा, 1000 लोग मेरे दर्शन के लिए यहां पर आएंगे, 1000 लोग मेरे दर्शन के लिए आएंगे। उस समय जो आएंगे तुमको 2 मर्यादा दूंगा, सबसे वो लोग सबसे पहले आएंगे आपका दर्शन लेंगे, बाद में मेरे दर्शन के लिए आएंगे, और सबसे पहले आपको दूध का नैवेद्य मेरी ओर से रोज होगा। अर्थात मतलब क्या है, आज के अर्थों में तुम्हारी जगह में मैं कल तुमको बाजू में कहीं पर कोने में डाल करके मैं पूरा जगह ले लूँगा, बहुत बड़ा बनाऊँगा, हाँ बेचारा समझ करके तुम्हें तुम्हारे दर्शन के लोगों को भेजूँगा, मैं पंच पकवान खाता हूँ लेकिन तुम्हें सिर्फ दूध भेजूँगा। अर्थात आजकल जगह लेते समय ऐसा ही कहते हैं हमें थोड़ा जगह दो, बाद में आप फैल जाते हैं अपने धुंडशाही से, उनको कहीं पर करके एक जगह पर कुछ बस कुछ बोलने का नहीं, इस तरह लोग करते हैं यह दिखाने के लिए भगवान ने व्यवहार किया। तब वराह ने स्वीकार किया, जाने दो कम से कम इतना तो दोगे ना। उसने कहा मुझे औषध और खाने की व्यवस्था होने का है।
उसने अब पढ़ाने का आप सोचो, कुछ भी सोचो मत। तो मैं अपने यहाँ तुम्हारे पूर्व जन्म की माँ मेरे पास है, तो उसे आपके पास मैं भेज दूंगा। उसका नाम है बुकुलमाला, वह तुम्हें रोज खाना खिलाएगी। सा बाला भक्ति निरता श्रीनिवास से सन्निधो, वह अत्यंत भक्ति से श्रीनिवास के पास आती थी, खाना लेकर आती, खिलाती थी, औषध आदि करती थी और उसको घाव भरती थी, पैर धोती थी। ऋषि ने पूछा, श्रुतम श्रोत महाभाग, आपने यह सब कुछ कहा, ये बकुला कौन है? साक्षात भगवान की सेवा करने का अवकाश उसे मिला, यह कौन है? तब वो कहने लगे, भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, 9-10 साल वृंदा गोकुल और वृंदावन में रहे, बाद में कंस को मारने के लिए मथुरा आ गए तो वहीं पर रह गए। एक नहीं, दो नहीं, 16,108 शादी किया, एक भी शादी में भी यशोदा और नंद को आमंत्रण गया नहीं। एक बार प्रभास क्षेत्र में कृष्ण, नंद और यशोदा का भेंट हुआ, तब यशोदा कहती है, अरे मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं हो चुका है, कम से कम तुम्हें पाला था, तुम्हारे बाल लीला से संतुष्ट हो गई थी, लेकिन इतनी शादी की, क्या तुम्हारे मन में मुझे एक भी शादी को बुलाने का मन नहीं हुआ? पूरी तरह से आप मुझे भूल गए। तो तब श्री कृष्ण ने कहा, देखो माँ, यह सब कुछ शादी झटपट हुए हैं, झट निश्चय पट व्याप्या, क्या कहते हैं उसको, झट मंगनी पट व्या, ऐसा हुआ था। ये देखो, रुक्मिणी उसे भगा करके लेके आया था और उस गड़बड़ में मैं भूल गया। सत्यभामा का तो उसने घर में ही उसके पिताजी ने शादी करा करके भेज दिया, और ये जाम्बवती गुहा में शादी हो गई, और यह जो कालिंदी है नदी के किनारे उसकी शादी हो गई, किसी को बुलाने का चांस ही नहीं मिला। और भद्रा लक्षणा उनके नैहर में शादी हो गई, मित्रविंदा ये सब कुछ उसी उसी जगह पर शादी हो गई, और ये 16,100 तो नरकासुर चाइना में शादी हो गई। मैं आपको कैसे मैं बुलाता हूँ, अभी देखो, ऐसा नहीं, कलयुग में, कलयुग और द्वापर युग संधि में मैं शेषाचल में आकर रहूँगा, तब शादी, सिर्फ शादी नहीं, कन्या देखना और उसका मंगनी करना और शादी की तैयारी करना और शादी में वर की माँ बन करके अपने जोर जबरदस्ती दिखाना, और पूरी शादी तुम्हारे हाथ से ही होगी। यशोदा ने उस समय चुप हो गई थी, वही यशोदा आज आविर्भूय यशोदाया तोषे के गुणकर्म भी, यहाँ पर बकुलमाला के रूप में अवतार लेकर के पराह के पास रहती थी, और यहाँ पर पूरे संसार की रक्षा करने के लिए भगवान दैत्य मोहन के लिए, सज्जनों को आनंद देने के लिए, जैसे प्राकृत व्यक्ति होकर के शेषाचल पर आए उस समय, तो वहाँ पर बकुलमाला उनकी सेवा कर रही थी।
किमलभ्यं भरो तुष्टे ज्ञान विज्ञान संविदः। आपने पूछा इसका भाग्य क्या था, इसका भाग्य इतना ही था भक्ति प्यार। यशोदा कृष्ण पर अव्याज भक्ति करती थी इसलिए भगवान संतुष्ट हो गए। किमलभ्यं भगवते हरो तुष्टे ज्ञान विज्ञान संपदा। भगवान खुश होने पर क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। और भगवान तो नाटक करते रहते हैं। कश्चित् देवं पूजयते, कभी राम बन करके शंकर की पूजा करते हैं और कभी स्वयं शिव पार्वती से अपनी पूजा लेते हैं और कभी हनुमान से पूजा लेते हैं, फिर बाद में स्वयं अर्जुन की सेवा करते हैं। यह भगवान किस तरह अनुग्रह करता है यह सब कुछ उसकी एक विशिष्ट लीला है, उसका हम अर्थ सामान्य रूप से नहीं लगा सकते हैं। दैत्यानां मोहनार्थाय, दैत्यों को मोहित करने के लिए, देवताओं को संतोष देने के लिए बालक के जैसे परमात्मा बाल लीला करता है और विशेष रूप से शादी की लीला करता है। विशेष रूप से भगवान वहाँ है इसलिए वेंकटगिरी भूवैकुंठ बन गए। एक बार भगवान ने बकुलावती से कहा, आज मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा। उसने बहुत यहाँ पर बहुत मृग क्रूर मृग है, मत जा, नहीं मैं कुछ भी नहीं होगा जाकर आऊँगा। इसलिए उन्होंने कहा भी शिकार चलने के लिए घोड़ा चाहिए। वायु की उन्होंने स्मरण, वायु का स्मरण किया, बस वायु वहाँ पर एक घोड़े के रूप में आकर के खड़े हो गए और भगवान उस पर चढ़ने से पहले बहुत अच्छा बड़े काठ का धोती अच्छी तरह से पहन करके, उसे काठ दिखाई देना चाहिए ऐसे व्यवस्थित पहन किया और उसके ऊपर दूसरा उत्तरीय वस्त्र बांधा और करघनी बांधा और आदर्शालोकितम कृत्वा, तो वहाँ पर एक आरसी लगा करके, जैसे कभी कभी मोटर का या इसका स्कूटर के आरसी भी कभी कभी लगा देते वैसे, तो आरसी के सामने खड़े होकर के भगवान गोपी चंदन को अच्छी तरह से लगाया। अंगाराक्षति बार बार देख देख करके अच्छी तरह से लगा लिया और सब जगह पर मुद्रा लगाया और अक्षता के ऊपर कुमकुम लगाया। आदर्श मृत्तिकां शुभ्रम स्वयं यज्ञोपवीतांगः, यज्ञोपवीत डाल लिया, अनेक मालाओं को डाला था, सोने का यज्ञोपवीत, सोने का ही तो यह यज्ञोपवीत था, और अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लिया। इतना करके फिर भी यज्ञोपवीत नहीं, गोपी चंदन कुमकुम गंध उसको एक पोटली में बांध लिया, क्योंकि कभी बाहर जाने के बाद पसीने से मेकअप बिगड़ गया तो फिर मेकअप करने के लिए चाहिए। आजकल वैनिटी बैग में जैसे लड़कियां लगती हैं उस तरह उसे भी अपने साथ रखा करके वहाँ पर, और अत्यंत अलंकृत होकर तो घोड़े पर बैठे चल पड़े। थोड़े आगे गए थे, एक बहुत बड़ा हाथी उनके सामने आया। उन्होंने जब सर का अनुसंधान किया, वह हाथी भागने लगी भागने लगी भागने लगी, तो उसके पीछे भागते गया। तिरुमला से नीचे उतर करके 22 मील तक नारायणपुर के
गांव के बाहर, राज्य के बाहर तक, उद्यान तक वह हाथी चलता गया, ये भी उसके पीछे आते गए। और वहाँ आने के बाद हाथी वहाँ पर ठहर गया। ठहरने के बाद भगवान को नमस्कार किया और वह हाथी वहीं से चला गया। जैसे हाथी बाजू में चला गया, भगवान देखते हैं एक पुष्पोद्यान है, उसमें कुछ लड़कियां हैं, उसमें एक लड़की बहुत सुंदर है, अर्थात यहाँ तक उसे लेकर आई थी हाथी, मतलब महालक्ष्मी। महालक्ष्मी ही वेंकटेश और पद्मावती की भेंट करने के लिए लेकर आई थी। ऋषि पीठ में पूछते हैं, सा कन्या कस्य संबद्धा, वह कन्या कौन थी, किसकी लड़की थी। तब सूताचार्य बोलते हैं, शुण्वन्तु मुनयः सर्वे कन्यायाः जन्म पावनम्। उस कन्या के अत्यंत पवित्र जन्म की कथा आपके सामने मैं बताऊंगा। द्वापर युग खत्म हुआ और पांडव सब अपने लोक के चले गए। 28वें कलियुग के संधि काल में वीरकमार्क आदि आदि अनेक राजा हो गए। उसी समय पांडवों के दौहित्र वंश चंद्रवंश में सुवीर नाम का एक राजा हुआ। सुवीर का पुत्र था सुधर्म, और सुधर्म को दो लड़के हो गए। आकाश तोंडमाना क्यों सर्वलोक एसस करो, उन दोनों का नाम था आकाश और तोंडमान, आकाशराज और तोंडमान राज। दोनों धर्मिष्ठ थे, भगवत भक्त थे, और ज्येष्ठ आकाशराज राज जब चला रहा था, सब निरातंक, सब सुखी थे, सभी अत्यंत व्यवस्थित थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक कमी थी उस आकाशराज को, संतान ही नहीं हुआ। एक बार वे अपने गुरु के पास आए, उनका गुरु थे बृहस्पत्याचार्य, उनको बुलाया, उनके पास बैठ करके उन्होंने कहा, अनुभूतमिदं राज्यम, गुरुजी इतना सुख राज्य में मैंने पाया, कोई कम नहीं पड़ा, पर्वत के इतना अन्नदान मैंने किया, तीर्थ यात्रा की, सब कुछ मिला, लेकिन संतान ही नहीं हुआ। मैंने कैसा कौन सा पाप किया है, कोई एक लड़का मुझे उत्पन्न नहीं हुआ। इन आंखों से मैं पुत्रों को देखने की इच्छा रखता हूं, लेकिन मुझे उसका दर्शन नहीं हो रहा है। और जब बचपन में बच्चे रोते हैं, वो रोने के लिए मेरे दोनों कान बहुत दिनों से तरस रहे हैं, लेकिन वह भी मुझे नहीं मिला। मैंने अपने बच्चे को सोने के पात्र में दूध और भात मिला करके खाने की इच्छा रखता हूँ, वह भी अवकाश मुझे नहीं मिला। अपने पलंग में उसे बाजू में सुला करके मैं गाना गाऊँ, यह इच्छा भी पूरा नहीं हुआ। अभी मैंने 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, तो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चों के लिए जैसे आभरण चाहिए, कवच चाहिए, कुंडल चाहिए, कपड़े चाहिए, रेशम के सब तैयार करके मैंने रखा है। और मैंने सुना है पुत्रहीन व्यक्ति को सद्गति नहीं। कल मैं यमलोक को गया तो वहां से मुझे ढकेल देते हैं। दुराचार थे दुर्बुद्धे अपुत्र थे, तो दुराचारी है, दुर्बुद्धि है, पुत्रहीन है, जाओ। इस तरह रमधर्म राजा मुझे ढकेल देगा। संतानहीन के कारण मेरा वंश भी, मेरे पितृलोक भी सभी पतित हो जाएंगे, और पुत्र ही हमें नरक से रक्षण करता है, लेकिन वह नहीं हुआ।
कभी मेरी पत्नी को डांटने का अवकाश मुझे नहीं मिला, क्योंकि लड़के हो तो जब रोते हैं तब पत्नी को डांट सकता हूँ, ए बुद्धि की दी नहीं क्या, बच्चे कह लो चुप करो, लेकिन मेरी पत्नी इतनी साध्वी है मुझे उसे गाली नहीं दे सकता। मुझे पत्नी को डांटने का भी अवकाश नहीं मिला, और उस बालक को लेकर के गायों के पास जाने का अवकाश नहीं मिला। बाल्य में जात कर्म नाम कर्ण सब कुछ करना चाहता था, वह भी नहीं मिला, और उसको बड़ा बना करके उसको शिकार खिलाने का वह भी मैं नहीं कर सका। मुझे मालूम है यह शरीर व्यर्थ है पुत्र के बिना, लेकिन संतान भी बहु पुण्यवशात पुत्रो जायते मानवोदरे, जो बहुत अच्छी तरह से पुण्य करते हैं उन्हें अच्छा संतान मिलता है, इस तरह मैंने सुना। पुत्र या पुत्री कोई भी हो, वरद अच्युत गोविंद रंगेश जगन्नाथ जगद्गुरु कंची वरदराज और जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ सुब्रह्मण्य इंद्राधिपते वेंकटेश वराह, ये सभी मेरी प्रार्थना सुनो, किसी तरह से मुझे एक संतान दे दो। एवं उक्त्वा मही देवम, इस तरह बोल करके राजा चुप हुआ। तब तक आंसू बह करके उसके कपड़े भी गीले हो चुके थे। उसके इस दुख को देख करके उनके गुरु कहते हैं, यज्ञम कुरु नृपश्रेष्ठ पुत्रस्ते न भविष्यति। देखो बहुत पुण्य होंगे, कोई प्रारब्ध कर्म होगा, उससे संतान अभी रुक गई होगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, उसके लिए स्वयं तो सोने का हल बना करके वो जगह ठीक तरह से साफ करो, यज्ञशाला बनाओ, मैं स्वयं आकर के तुमसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराता हूँ, तैयारी करो। वह सब कुछ तैयारी करके सुमुहूर्त में यज्ञ शुरू करने का, भूमि शोधन यज्ञशाला बांधने का निश्चय किया। तो बाद में क्या हुआ हम कल देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय थोरे चिंत सर्वदेवैक वंद्य परम गुरुरभीष्टा वाप्तिर सज्जनानां निखिल गुणगणार्णो नित्य निर्मुक्त दोरा सरस्य जनेनो सो श्रीपतिर्मानदोनः कल्याणार्थ तगात्राय कामितार्थ प्रदायने श्रीमद्वेंकटनाथाय।